भगवान की आनंद धाम प्राप्त करना, उनकी सेवा प्राप्त करना इतना सहज है। क्या वस्तु तुमने त्याग किया? सारा जीवन तुमने तो इतना कष्ट सहन किया, प्रभु के लिए कितना सहन किया तुमने कष्ट, कितना दुख तुमने सहन किया, कितना कष्ट तुमने सहन किया, कितना त्याग किया तुमने अपने परिवार के लिए, तुमने कितना त्याग किया, लेकिन भगवान के लिए तुमने क्या त्याग किया? हमने क्या पाया, क्या पाया, इसका हिसाब मत करो। हिसाब करो, हमने क्या दिया, हमने क्या दिया, हमने क्या दिया। तुम देते रहो, समर्पण करते रहो, और शून्य स्थान प्रभु आपने प्रेम प्रीति दे करके तुम्हारे हृदय को भर देंगे और शून्य स्थान पूरा कर देंगे। हम कहते हैं प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, प्रभु द्वार बारा के ठाड़े हैं कृपा करने के लिए, और हम कहते हैं प्रभु कृपा करो, कृपा करो, प्रभु हंसते हैं, यह जानता नहीं है कृपा क्या चीज है। हम तो कृपा करना चाहते हैं, तुम तो कृपा संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारा मन तो संसार कारण में रमन कर रहा है, ये चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब चाहिए, 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 चाहिए। भगवान कहते हैं हम तो आए हैं तुम कृपा करने के लिए, हमारे लिए आसन कहाँ, तुम्हारे हृदय में जहां बैठेंगे हमारे लिए स्थान कहाँ, वहां तो सब भरा हुआ है, सामान सट्टा, दुनिया भर के सामान सट्टा भर के रखे हो, वहां हमारे लिए कहाँ बैठने का स्थान है। और कहते कृपा करो आओ प्रभु, यहाँ बैठेंगे कहाँ, घर खाली करो, मकान खाली करो, हम बैठेंगे, अवश्य बैठेंगे, वो तो हमारा ही स्थान है। मकान खाली करो, पहले समान सट्टा हटाओ, काम क्रोध लोभ ईर्षा देश लोभ लालसा मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस आदि भोग्य पदार्थ भोग्य विषय आदि कितना सब जंजाल भीतर में भरा हुआ है। और कहते कृपा करो, अभी कुछ तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, कोई वस्तु नष्ट हो जाएगा, तुम बोलोगे प्रभु हमारे देखो हमारे क्या सत्यानाश हो गया, हमारे क्या, हम भगवत भजन करते हैं, प्रभु के भजन करते हैं, प्रभु के शरण में है, हमारा ये अनर्थ हो गया, ये नुकसान हो गया। देखो प्रभु कहते हैं हम जिसको कृपा करते हैं उसका धन हरण करते हैं, उसका जन हरण करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका लांछना करते हैं, क्यों, उसके भीतर की जो माया मोह ममता अज्ञानता ही हटाने के लिए हमको करना पड़ता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाता है, तो कहते हैं प्रभु की कृपा हम पर है नहीं, कृपा माने रसगुल्ला खाना नहीं, कृपा माने हुई, भगवान जब कृपा करते तो हुई पड़ता है, चाबक पड़ेगा, सहन करोगे, कृपा चाहते हो, तुम्हारा प्रियजन जो है उसको समाप्त कर देगा, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा प्रतिष्ठा सब नष्ट कर देंगे, सहन करोगे तो भगवान कहते हैं कृपा तो तुम चाहते हो, तुम जानते नहीं हो कृपा क्या चीज है। हम लोग कृपा शब्द का माने जानते हैं, हम भजन करते हैं प्रभु कृपा करेंगे, परिवार के सब हमको खूब प्यार करेंगे, हमारा अंधाधुंध पैसा आएगा, खूब हम खूब आनंद करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, भोग लगाएंगे 56 भोग रोजाना, खूब खाएंगे भोग, ये सब सुविधा रहेगी, कोई आधी व्याधि उपाधि होनी नहीं चाहिए, क्यों हम ठाकुर जी के शरण करते हैं, ऐसा नहीं होता है गुरुदेव, वो तो हुईप चलता है, जब भगवान कृपा करेंगे हुईप चलेगा, लेकिन वहां तो हम हार जाते हैं, लेकिन साधारण साधन तो टूट सकता है, टूट सकता है, तो भाई संसार में रहो, भगवान कहता है ठीक है कृपा कृपा बोलना नहीं, हमको कृपा करो कृपा करो बोलना नहीं, रहो संसार, हम मना थोड़ी करते हैं, लेकिन हमारी कृपा चाहते हो तो भाई थोड़ा सा संभाल के, सहज नहीं है कृपा, इतना ठोकर मारेंगे, इतना ठोकर मारेंगे, इतना ठोकर मारेंगे, तुम चिंता भी नहीं कर पाओगे, रक्षा भी करेंगे, हमको पता है, हमको बहुत सारे पता है कैसे ठोकर चलता है, वृंदावन में ही
एक ब्रजवासी पांडव पहले ऐसे 40 साल पहले हमको इतना बुरी तरह से गाली देते देते रास्ते से ले गया। सब देख रहे हैं एक बाबा जी को किस तरह से बुरी तरह से गंदी गंदी गाली देते देते हमको पीछे पीछे जा रहा है। ऐसे अपमान, माने अपमान का कोई ठिकाना नहीं, अपमान का कोई ठिकाना नहीं। हमको चोरी केस में फंसाया, क्या क्या अपमान किया नहीं। एक जगह गए, नया जगह से हमको चोरी केस लगा दिया हमारे नाम पे, पुलिस आ गया। क्या क्या, माने जब भजन जीवन में आया तब क्या बात है, इसको कितना कहें, वो सब हम ही जानते हैं क्या चलता है। इसीलिए कृपा माने क्या है, कृपा माने चाबुक चलेगा, मार मार के तुम्हारा अहंकार को नष्ट कर देंगे, तुमको विनम्र कर देंगे, तुम्हारा मस्तक को सबके पंप के नीचे ले जाएंगे, तुम मिट्टी से मिल जाओगे मिट्टी में, तो जाके शुरुआत होगा। अब चलो कृपा, प्रेम चाहते हो तो ठीक है। जो साधक वीर साधक है वो हारते नहीं, वो कहते हाँ प्रभु हम चलेंगे, ऐसा करके हाथ उचा करके आ जाओ, हाँ ठीक है हम तैयार है, तो ठीक है आ जाओ, परीक्षा होगी। ऐसे मुख में बोलने से होगा नहीं, परीक्षा में बैठना पड़ेगा। ऊपर क्लास में जाने के लिए मास्टर उपदेश करते हैं, टीचर उपदेश करते हैं, सब उपदेश करते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में कोई नहीं, वहां क्वेश्चन लिखते समय मुंह भी घुमाना नहीं, मुंह घुमाने से तुरंत मास्टर आके उसको ये कर देगा, मुंह घुमाना नहीं। ऐसा परीक्षा आएगी जीवन में, साधक जीवन में कोई नहीं, जैसे सलाम दुनिया में हमारा कोई भगवान भी हमारे साथ नहीं है, कभी कभी ऐसा तुमको महसूस होगा, ऐसे महसूस कराएंगे उस परीक्षा हॉल में, उस समय क्या आंसर देते हो वो आंसर तुम्हारा उस समय चलेगा परीक्षा। ये होता है आत्यंतिक साधक के लिए, ये साधारण गृहस्थी के लिए जो संसार जीवन उनके लिए ये शब्द नहीं है, क्योंकि ये तो वृंदावन धाम है, सभी आए हैं परमार्थ प्राप्ति के लिए, इसीलिए बोलना पड़ता है, ये स्थान तो ऐसे ही है ना। उस समय आंसर कैसा? अब तुम कैसे आंसर दोगे, उसके उस समय तुम्हारा परीक्षा हो जाएगी। यदि साधक की अंतर्गत की स्थिति नहीं है तो फिर तैयार हो जाओ, फिर तुमको वही पटक के रख देंगे, फिर तैयार होते रहो, फिर घात प्रतिघात में तैयार हो जाओ। तो फिर इसमें शरणागत का जय जय फिर क्या होगा, तो शरणागत होने से फिर ददामि बुद्धि जो तंग जनों जानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ, बुद्धि देते हैं बुद्धि के द्वारा, धीरे धीरे ओ हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ऐसा चलना है, हमको ऐसा चलना है, ये बुद्धि देते हैं प्रभु, फिर धीरे धीरे पार लग जाए। ऐसा नहीं जो हर समय वो फेलियर हो जाएगा, ऐसा नहीं, एक समय वो पास हो जाएगा। प्रभु उसको जब देखते हैं हृदय है, उसका ठीक अब ये समझ गया है जी प्रभु के कृपा ही सार, तब जा करके प्रभु हाथ पकड़ के उसको ले जाते हैं। मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकार नश्यसि विनश्यसि, तुम्हारे हृदय में हमको धारण करके चुपचाप हम में समर्पित होकर के तुम चुपचाप बैठे रहो। सर्वदुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अगर तुम अहंकार के कारण नश्यसि मेरी बात नहीं सुनते हो, विनक्षसि तुम नष्ट हो जाओगे। तब प्रभु ऐसे नहीं है, वो पास कराने के लिए ही ऐसे परिस्थिति के अंदर हमको डालते हैं, हमको भी दिखाते हैं जो तुम कितना तैयार हो। जैसे कभी कभी हमारे भीतर अहंकार आ जाता है, हम बहुत तैयार हैं, हम तो ऐसे हैं तैसे भजन करते ही करते हैं, ऐसे स्थिति आ जाएगी डाल देंगे, देखिए जो बुरी तरह से फेलियर हो गया, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जीरो नंबर, अपने आप में लज्जित हो जाते हैं, हाय हाय हम में इतना कमी, हम में खुद लज्जित हो जाता है साधक, दूसरा कोई होता कि नहीं पता नहीं, हमको तो ऐसा होता है लज्जित हो जाता है, हम तो अभी तो बहुत पीछे पड़े हैं, हम में तो बहुत कमी है, हाय हाय हम गमन करते हैं। इस तरह से घात प्रतिघात ठोकर लगते 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 कंक्रीट हो जाता है, फिर जाके साधक
उनके भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है।